विशेष कृपा ये हो गई कि मनुष्य देह में तुम्हें सत्संग मिल गया। नहीं, कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं विचार करके देखो, 135-40 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की ही है, कितने लोग हैं? 1500 लोग होंगे, 2000 होंगे, कितने लोग सुन रहे हैं? कि तुम बड़े भाग्यवान हो, अगर तुम्हारा मन श्री प्रिया प्रीतम के भजन में लग रहा है तो तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं है। चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो, यदि भगवान से विमुख है, धर्म से विमुख है, अधर्म आचरण करता है और खूब ऐश्वर्य वैभव, तो उससे बड़ा कोई भिखारी नहीं, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं लगेगा पाप के सिवा। इतना रुपया जमा कर लो, चाहे जितना भोग भोग लो, चिंता शोक भय मृत्यु ये तुम्हें सताते रहेंगे। आज तक कोई ऐसा मिला हो कि हाथ उठा के भगवान से कह दिया हो कि बस अब मत देना संपत्ति, हमारे लिए पर्याप्त है? कभी नहीं। 100 तो 1000, 1000 तो लाख, लाख तो 10 लाख, 10 लाख तो करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, कितना मर जाओगे एक चवन्नी तुम्हारे हाथ नहीं जाएगी। बेचारे हृदय में जो ये भाव बैठ गया है कि हम रुपया से, पद से, भोगों से, नाना प्रकार की सामग्री अगर हम मन चाहे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, कभी सुखी नहीं होगे। अगर मिल भी जाए तो कभी सुखी नहीं हो सकते। पर प्रियालाल की अपार कृपा है, विश्वास करो, तुम्हें ये मनुष्य का जो देह मिला ये केवल कृपा से मिला है। विशेष कृपा ये हो गई कि मनुष्य देह में तुम्हें सत्संग मिल गया। नहीं, कितने लोग हैं इस समय, कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं विचार करके देखो, 135-40 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की ही है, कितने लोग हैं? 1500 लोग होंगे, 2000 होंगे, कितने लोग सुन रहे हैं? कितना अहोभाग्य है इस समय हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं यमुना जी के पावन पुलिन पे बैठकर। यही यमुना प्रवाहित होती थी, ये पुलिन है जहां आप बैठे हो, यमुना जी की धारा यही बहती थी परिक्रमा मार्ग में, कालीदेह में देखो सीढ़ियां बनी हुई, यही से यमुना जी, ये कालीदेह जो कुंड है ये यमुना जी का ही किनारा है, जहां आप बैठे हैं यमुना की धारा में। अभी यमुना जी थोड़ा साइड में हो गई। हमें वृंदावन में प्रिया प्रीतम की महान कृपा भरे सत्संग सुनने को मिल रहा है, ये विशेष कृपा। इस पर भी विशेष कृपा कि हमारी बुद्धि भजन करने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। विशिष्ट कृपा, हमारी बुद्धि अब कह रही कि छोड़ो सब कुछ, भजन में लगो, भजन में लगो। इस सुअवसर को हाथ से मत जाने देना, नहीं तो कृपा का अपमान करने वाला केवल पछताता ही पछताता है। ये अहेतुकी कृपा हो गई है। तुम बड़े भाग्यवान हो, अगर तुम्हारा मन श्री प्रिया प्रीतम के भजन में लग रहा है तो तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं है। दुखी मत हो। और जिनका भजन में मन नहीं लगा, भोगों में लगे, उनसे बड़ा कोई कंगाल नहीं। चाहे कोई कितना भी बड़ा धनी जमींदार, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो, यदि भगवान से विमुख है, धर्म से विमुख है, अधर्म आचरण करता है और खूब ऐश्वर्य वैभव, तो उससे बड़ा कोई भिखारी नहीं, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं लगेगा पाप के सिवा। आज तुम्हारा वास कमजोर है, तुम्हारे खान पान की व्यवस्था कमजोर है, तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है, संपत्ति भी नहीं है, लेकिन तुम प्रिया प्रीतम का नाम जप कर रहे हो तो कह रहे तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं है, तुम बहुत बड़े धनी हो। देख लेना समय पर जब ये फसल अपना रंग दिखाएगी। भजन में तुम्हें कुछ त्याग करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। तुम जो काम करते हो धर्म पूर्वक करो, जो काम करते हो प्रभु को समर्पित कर दो और नाम जप करते रहो। शरीर को सेवा का साधन बना दो, मन को सुमिरन में लगा दो। आप देख लेना, अगर अहंकार नहीं करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शरीर को सेवा में लगा दो, जो कर्म करते हो धर्म पूर्वक करो, उनको प्रभु को समर्पित कर दो और नाम जप करो। और अहंकार नहीं करोगे तो बहुत जल्दी तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रकाश हो जाएगा तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार नष्ट होते ही भगवत तत्व का बोध हो जाता है। देखो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है।
मन की दिशा जो भोगों की तरफ है उसे मोड़ करके प्रभु की तरफ लगानी है। तुम्हें जो ही प्रभु की तरफ अपने मन को अपने मुख को मोड़ा तो बिना साधन किए करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोही जब ही जन्म कोटि अघ नाशो तब ही। जे ही जीव भगवान के सन्मुख हुआ मन को मोड़कर प्रभु की तरफ किया राधा राधा करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। जिनका भोगों की ओर मन है चिंता शोक भय दुख जन्म मृत्यु ये नहीं हटेगा। चाहे जितना रुपया जमा कर लो चाहे जितना भोग भोग लो चिंता शोक भय मृत्यु ये तुम्हें सताते रहेंगे। नरक के निंदनी गर्त में तुम्हें गिरना पड़ेगा महान दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम पर भगवान की कृपा हो गई है मनुष्य शरीर सत्संग भजन की महिमा। अब आप अपने ऊपर कृपा कर लो कि भजन में मन को लगाओ। विश्वास करो अपने को जो भजन में लगाता है मानो पग पग पर अपनी सुरक्षा कर रहा है पग पग पर अपने को सुख की तरफ ले जा रहा है। और जो अपने मन इंद्रियों को भोगों में लगा रहा है तो पग पग पर अपने को फंसा रहा है वो दुख भोगने की तरफ जा रहा है। देखो भगवत कृपा बरस रही है सब तरफ से कृपा बरस रही है तुम्हारे ऊपर अपार कृपा हो गई है। बस तुम इस कृपा का परिचय करो और इस कृपा के परिचय को प्राप्त करके डूब जाओ। हमारे ऊपर अपार कृपा श्री जी की भगवत प्राप्ति के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि इस कृपा का आदर करो। जो जो आपके ऊपर कृपा हुई उसको वर्ण करो आ कितनी कृपा। ये देखो वृंदावन में बैठ करके भगवत चर्चा कथन श्रवण नाम कीर्तन पद गायन संत दर्शन भगवत दर्शन कितना सौभाग्य। जगत को सुधारने वाली बात भी अपने मन में मत लाओ। तुम ठेकेदार नहीं हो जगत के पहले तुम सुधरो तब बात समझ में आएगी। तुम्हारा सुधार हुआ कि जगत को सुधारना नहीं ये सब भगवत स्वरूप है पहले तुम सुधरो। और प्रायः ये होता है कि हम जगत सुधारने की बात जहां थोड़ा परमार्थ बना तो हम दूसरों को सुधारने की बात सोचने लगते हैं। पहले तत्व तक पहुंचो पहले बोध प्राप्त करो नहीं तो बीच में अगर पूरे सच्चे खिलाड़ी नहीं हो तो माया के पार्षद टांग मार के अपने पक्ष में गिरा लेंगे और तुम अपने पक्ष में पहुंच नहीं पाओगे। इस जगत को प्रभु स्वरूप समझो और अपने आप को प्रभु के चरणों में न्योछावर करके चुपचाप दीन बन के अपने को छुपाते हुए दीन बंधु के सुमिरन में खो जाओ। जो थोड़ी भक्ति करके लोगों में परिचय बनाना शुरू कर देते हैं कि मैं भगत हूं मैं अमुक अनुष्ठान कर रहा हूं मैं अमुक अमुक साधना कर रहा हूं बिकने लगते हैं। याद रखो वो प्रभु की प्राप्ति के पथ से बहुत ही भटक जाते हैं। प्रभु के प्रेम रंग को प्राप्त करने के लिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक परिचय को छुपा के रखना चाहिए। अपना परिचय कोई न जान पावे कि मैं कौन हूं क्या हूं कैसा हूं। जितना तुम परिचय छुपाओगे अपना उतना परिचय प्रभु अपना प्रकाशित कर देंगे आपके सामने। और जितना आप अपना परिचय बढ़ाओगे उतने प्रभु अपना परिचय छुपाते चले जाएंगे। सिद्धांत को समझ लो जितना आपका परिचय छुपेगा उतने आप अपना परिचय प्रकाशित कर देंगे और जितना आप अपना परिचय प्रकाशित करेंगे उतने आप अपना परिचय छुपा लेंगे प्रभु। याद रखो तुम्हारे ऊपर कृपा निरंतर बरस रही है कृपा चारों तरफ से घेरे हुए है। कोई क्षण भी ऐसा ना जाए जिसमें तुम कृपा सिंधु प्रभु का विस्मरण कर दो।
स्मरण परायण रहे, एक भी क्षण स्मरण के बिना ना जाए, कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमें तुम विस्मरण करो। सावधान, तुम्हारे ऊपर अपार कृपा है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। हम 40 वर्ष की स्मृति को देख करके कह रहे हैं, क्योंकि खास स्मृति जो जागृत हुई इसमें बड़ा परिवर्तन, 40 वर्ष में बड़ा परिवर्तन। आगे अगले जन्म में क्या हमको भजन करने के लिए अवसर मिलेगा पता नहीं, कितना विघ्न आ जाएगा। इसलिए तुम वंचित न रह जाओ भगवत प्राप्ति से, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तुम अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु जो है, प्यारे से प्यारे जो संबंध है, उनमें झांक कर देखो। प्यार है तो प्रभु से है, अगर प्रभु शरीरों से निकल जाए तो कोई शरीर से प्यार नहीं करेगा, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई प्यारा हो। तुम उसी प्यारे से प्यार करो, निहाल हो जाओगे सचमुच। विश्वास करो, वो सामने नहीं आ रहा पर वो छुप छुप कर आपको बहुत प्यार कर रहा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सच्ची 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 बहुत प्यार करते हैं प्रभु, बहुत प्यार करते हैं प्रिया जो अपने लोगों को अहेतु की कृपा। हमारा प्यार देखो क्या है, ईमानदारी से देखो, 100 में 1% प्यार नहीं प्रिया प्रीतम के प्रति, और उनका 100 का 100% हमारे प्रति प्यार है। देख लो कहां हम कौन हैं, कैसे हैं, आज भी कैसे हैं, और उनकी कृपा कहां बैठा ले, क्या कर रही कृपा उनकी, कितना अमोघ। हम कर रहे हैं तो बुरा ही कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं तो कृपा ही कृपा कर रहे हैं। हम सो ना बिगारन को तो सो ना समारन को तो ही मोई परी होड़। जब ये बात हम देखते हैं तो रोना आता है, कहां उनकी अपार कृपा और कहां हमारी नीचता। वो अज्ञात रूप से आपको बहुत प्यार करते हुए हर समय आपको दुलार कर रहे हैं, वो तुम्हें कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। तुम केवल निरंतर स्मरण करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि उनका परम अभय कर कमल तुम्हारे सर पर रखा हुआ है। अब किसके आशीर्वाद की मांगने की जरूरत है? तो आप पूछेंगे कि यदि इतनी बात आप कह रहे हैं कि हमारे को चारों तरफ से भगवान की कृपा घेरे हुए है, हमारे ऊपर भगवान का अभय वरद हस्त है, तो फिर मैं जल क्यों रहा हूं, मेरे अंदर जलन क्यों है, हृदय क्यों नहीं शीतल हो जाता? दिन रात हृदय में शोक है, विषाद है, चिंता है, आग की तरह जल रहा, चैन नहीं मिल रही है, ये क्या कृपा है आपकी? ये क्या आपका अभय वरद हस्त है? आप कह रहे हो सब पर कृपा है, तो मेरा तो हृदय जलता रहता है, मेरा तो हृदय विषाद चिंता शोक से युक्त रहता है। उत्तर ये है, ना आग है ना जलन है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी उल्टी सोच की जलन है, तुम्हारी उल्टी समझ के कारण ये जलन है। अगर समझ जाओगे तो निहाल हो जाओगे। तुम्हारी उल्टी चाल है, दुख की तरफ चल रहे हो, असत का चिंतन कर रहे हो, जो जलन है उसका चिंतन कर रहे हो, उसमें फंसे हो इसलिए जल रहे हो। क्या होगा इतनी संपत्ति से, क्या होगा इतना हो जाए तो? आज तक कोई ऐसा मिला हो कि हाथ उठा के भगवान से कह दिया हो कि बस अब मत देना संपत्ति, हमारे लिए पर्याप्त है? कभी नहीं। 100 तो हजार, हजार तो लाख, लाख तो 10 लाख, 10 लाख तो करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, कितना मर जाओगे, एक चवन्नी तुम्हारे हाथ नहीं जाएगी, 25 पैसे हाथ नहीं जाएंगे, बस ये सोच तुम्हारी तुम्हें नरक ले जाएगी, तुम्हारी दुर्गति कर देगी। यही तुम्हारे जलन का कारण है। जलन का कारण भगवान नहीं है, जलन का कारण और कोई व्यक्ति नहीं है, जलन का कारण आपकी सोच है, आपका चिंतन है, आपका भाव है। इसी भाव को, जो मलिन भाव है, भगवत भाव में लगा दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। आपका चिंतन। दो ब्राह्मण बैठे हुए थे पास, एक भगत आया, उसने कहा आज हमें 2 ब्राह्मण भोजन कराने हैं, आप चलेंगे? बोले हाँ हाँ। गए, अच्छे से भोजन पाया, बाहर निकले, 11-11 रुपया दे के पैर छुआ। तीसरा ब्राह्मण दूर खड़ा देख रहा था, तो एक ब्राह्मण मुस्कुरा रहा था जो प्रसाद पाके आया था, और दूसरा जल रहा था। तीसरे ब्राह्मण ने पूछा कि आप
मुस्कुरा क्यों रहे? थोड़ा यार आज तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने कितनी कृपा की, भोजन भी मिला, 11 रुपया दक्षिणा मिले। दूसरे का आपका चेहरा उदास है, आप जलन से युक्त क्यों है? ले यार हमने सोचा था 51 रुपया देगा, 11 दिया, तो 40 का तो घाटा हो गया ना, इसलिए चल रहा हो। अब उसमें बोलो भगवान की क्या कमी है? भगवान ने दोनों को भोजन दिया, 11-11 दक्षिणा दी, उसका भाव उसको जला रहा है, उसका चिंतन उसको जला, एक खुश है कि भोजन भी मिला 11 रुपया मिले, एक नाराज है, जल रहा है कि 51 तो देता 40 का घाटा हो गया, हृदय में जल रहा है। ये जलन, ये शोक, ये चिंता, ये विषाद तुम्हारे चिंतन से है, तुम्हारी गलत दिशा से है, तुम्हारे गलत आचरणों से है। भगवान की कृपा आप पर है, पर आप गलत दिशा जा रहे हैं, आप गलत चिंतन कर रहे हैं, आपका गलत भाव है, इसलिए आप शोक, विषाद, चिंता, भय आदि में है। तुम्हारा ज्ञान अज्ञान ही है, क्योंकि तुम दुख को सुख मानकर भोगने के लिए दुख की तरफ जा रहे हो। इस संसार में जिसको कहीं कुछ भी अच्छा लग रहा है, कोई भोग, कोई व्यक्ति, कोई उत्पाद, कोई वस्तु, वो अज्ञान ही है। दुखालय अशाश्वतम बोर्ड लगा दिया भगवान ने, यहां नाशवान सब कुछ है जो कुछ भी आपके पास है, और सब दुख देने वाला है। परिणाम में वर्तमान में तो तुम्हें सुखद लगेगा, लेकिन परिणाम में दुख देने वाला यहां सब कुछ है। जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, यही माया का कार्य है। इसलिए तुम्हारी सुख की कामना तुम्हें दुख दे रही है। तुम्हारे हृदय में जो ये भाव बैठ गया है कि हम रुपया से, पद से, भोगों से, नाना प्रकार की सामग्री अगर हम मन चाहे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, कभी सुखी नहीं होगे। अगर मिल भी जाए तो कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तब लग कुशल न जीव को, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम, कामनाओं का त्याग कर भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक शांति नहीं मिल सकती स्वप्न में भी मन को।